मीरा भाईंदर महानगरपालिका ने हर जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर रिजर्वेशन चेंज करने के मुद्दे पिछले 6 महीने से वो ला रहे हैं। ये मीरा भाईंदर महानगरपालिका का डेवलपमेंट प्लान जो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, नया जो प्लान बन रहा था उसको जो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो बनने से पहले, पब्लिश होने के पहले ही पब्लिक में आ गया था, लीक हो गया था। इसके चलते हुए अभी एक मॉडस ऑपरेंडी भाजपा की सरकार जो मीरा भाईंदर महापालिका के अंदर है, उन्होंने एक नया मॉडस ऑपरेंडी शुरू किया है कि जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर वो सारे प्रस्ताव लाने के और राज्य सरकार उनके साथ मिल करके उन प्रस्ताव को 37(1) के अंदर पारित कर रही है। स्कूल के मैदान, स्कूल के रिजर्वेशंस, कॉलेज के रिजर्वेशंस, इंस्टीट्यूट्स के रिजर्वेशंस, प्लेग्राउंड्स के रिजर्वेशंस, मार्केट के रिजर्वेशंस, एनडी जोन के अंदर उसे चेंज करके रेसिडेंशियल करना, कमर्शियल करना, होटल के लिए करना, इस तरह के सारे प्रस्ताव जो शहर के हित में शायद नहीं है इन लॉन्ग टर्म, जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के अंदर ही उसकी चेंजेस होना चाहिए जब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होगा तभी। मैं ये कहना चाहूँगा इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह से डेवलपमेंट प्लान बनने से पहले ये अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो फिर क्यों मीरा भाईंदर के अंदर के नवघर, गोड़देव, राय, मोरवा, मुर्दा, डोंगरी, उत्तन, पाड़ी, चौक, इन इलाकों के काश्तकार, शेतकरी जो है, इनकी जो जमीनें नॉन डेवलपमेंट जोन में है, इनको आप क्यों चेंज नहीं कर रहे हो? इनका रिजर्वेशन भी आप चेंज कीजिए, वहां पे भी रेसिडेंशियल जोन कीजिए। क्यों सेलेक्टेड लोगों के आप जो है जोन चेंज कर रहे हो डेवलपमेंट प्लान बनने से पहले? शासन का इसके साथ में हाथ मिलोनी है और शासन ने इस चीज को नहीं करना चाहिए।